नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। धान रोपाई कर किया विरोध प्रदर्शन। धीनी थाना क्षेत्र ग्राम सभा आहोही में आज ग्रामीणों ने एक अनोखे ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए ग्रामीणों ने आहोही गली के मुख्य मार्ग में अधिक जल जमाव होने के कारण आने जाने हेतु पूर्ण रूप से रास्ता बंद हो गया है। इसकी समस्या ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व नजदीकी चौकी पर अवगत कराया, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों ने धान रोपाई करके अपना विरोध जताया और जिलाधिकारी से मांग की गली के पानी को निकालने के तुरंत प्रबंध करें। समाज सेवी अनिल ने इस समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम सभी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्री यादव ने बताया कि समस्या हमारे क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभाओं के बनी हुए जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, ग्राम प्रतिनिधि के माध्यम से जल्द इसका निदान कराए। और इस अवसर पर समाज सेवा अनिल, मोहजी मीना देवी, सुशील देवी, भागीरथ देवी, अरशद खान, कृष्ण कुमार, सीसी कनौजिया, नाजिर अली, मुर्री बिंद, सोनूपाल, अभय बिंद, संतोष प्रजापति मौजूद रहे। चंदौली से अवधेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल है और मैं मोहजी का हूँ। अभी हम लोग ग्राम सभा वहीं में हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये वहीं का मुख्य मार्ग है, जो गली है, ये मुख्य गली है और इस पे आप देख ही सकते हैं कि कितना पानी लगा हुआ है, इसका निकासी नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी, युवा भाई, माताएं हैं, सबने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहा और जनप्रतिनिधि ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। ये आज हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, कितना भारी जल जमाव है, कहीं ना कहीं हम लोग संक्रमण को बुलावा दे रहे हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी महामारी से जूझते हुए, संक्रमण को दवा देते हुए कहीं ना कहीं एक बहुत ही जटिल कही जाए इस बीमारी को हम दावत दे रहे हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से अपील है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द इसका निदान हो और इसके जस्ट बगल में ही गढ़ई है, वहाँ इसका निकासी किया जाए। पूरे हमारे अरशद भाई हैं, नाजिर जी हैं, तस्लीम जी हैं और यहाँ माताएं बहनें हैं, वहीं ग्राम सभा की सभी साथी हैं, सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस गली का निदान किया जाए। और मैं आपको अवगत करा दूँ कि यह ग्राम सभा वहीं की समस्या नहीं है, हमारे सिसौड़ा ग्राम सभा, योती, बघरी, हिनौता, सुड़िया, मंगलपुर, सिलौटा, बरन, इन क्षेत्रीय जितने भी ग्राम सभा हैं सबकी गली की समस्या प्रत्येक गांव में समस्या बन चुकी है। तो जल्द से जल्द शासन प्रशासन इसका निदान कराए, हम यही अपील करते हैं। आज हम लोगों ने इस रोपनी के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए। आज ग्राम सभा वहीं में आज हम लोगों ने धान रोपाई करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के लोगों से अपील है कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करें, अन्यथा हम सभी युवा भाई बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। यह समस्या कोई वहीं ग्राम सभा की समस्या नहीं है, यह हमारे क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा की समस्या बनी हुई है, जैसे कि सिसौड़ा, बघरी, हिनौता, जिगना, मौजी, पाड़ेपुर, मेढ़ान, इन तमाम गांवों में अभी भी लोगों ने अवगत कराया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या लगातार गली में जंजाल। भक्तों का हमला, सैलाब, पुलिस प्रशासन करनी पड़ी कड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के बहरेज के आपको बताते चले कि मामला बहरेज के थाना खैरी घाट के अंतर्गत महादेव के प्रसिद्ध मंदिर
बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर का, जहां पर सावन के महीने में सोमवार के दिन काफी भीड़ रहता था। इस बार लॉकडाउन के चलते सरकार मंदिरों के बंद करने का आदेश दिया, वहीं अमावस्या होने के कारण इस बार लोगों का काफी भीड़ मंदिरों की तरफ रवाना हुई। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर घर पर पूजा करने का कहा। राजीव कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। बहराइच डनपारा हवाई मार्ग पर ग्राम मुनीमपुर के पास एक सवारी बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 5 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों के पास के CSC मटेरा स्थानीय पुलिस थाना मटेरा द्वारा भेजा गया। ग्राम वासियों की मदद से और प्रशासन द्वारा सभी को सेफ्टी से बाहर निकाला गया। कैमरामैन रिजवान खान के साथ सिराजुद्दीन खान की स्पेशल रिपोर्ट। जो घटना हुआ आपने मतलब कैसे हुआ है? ये घटना हुई जब जो है सामने से ट्रक आ रहा था, जब उस गाड़ी को इसने इधर को जब काटा, काटने के बाद फिर इधर नहीं आई गाड़ी। अच्छा, फिर वो मतलब जो है बाइक की तरफ वो चलती रही। तो अब गाड़ी काफ़ी रफ्तार में नहीं, रफ्तार तो थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, 40-50-60 जरूर हो गई। बारिश भी हो रही थी? बारिश बहुत जोर हो रही थी। उसके बाद जब इधर को गाड़ी आई तो गाड़ी फिर एकदम समझ लो कि यूँ की रुक गई, समझो चाले में रुकने के बाद जो गाड़ी इस तरीके से पलटी, इस तरीके से पलटी, खड़ी गाड़ी में पलटी। सवारी सवारी पूरी थी लगभग कितने? 45-46 जरूर सवारी थी।